तो उज़्बेकिस्तान ने हरा दिया हमको 3-0 सेकंड मैच में हमारे एएफसी एशियन कप के। और मैं ज़्यादा इस पे शुगर कोट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, और जो मुझे लगता है कि मुझे क्या दिखा मैच में, मैं वो बोलने वाला हूँ। और इतने टाइम से जो हम फॉलो कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल को, उसको लेके मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी इस टूर्नामेंट से, क्या मुझे लग रहा था क्या होगा, और क्या हमको देखने को मिला स्पेसिफिकली इस मैच में, उसकी बात करूँगा। तो हो सकता है मेरे ये व्यूज़ जो हैं आप लोगों को ख़राब लग सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग मुझे गालियाँ दें, हो सकता है आप लोगों को प्लेजेंट ना लगे जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में वही बोलूँगा जो मुझे लगता है। और ये जो हमारा इंडियन फुटबॉल फैंडम है वो इतना ज़्यादा यंग है इन टर्म्स ऑफ एवरी वन गेटिंग इन्वॉल्व, कि अगर आपको कुछ भी ऐसा बोलना होता है ना जो शायद प्लेजेंट नहीं है, तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ता है शुरू में, कि जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाएं। क्यों भाई, यहाँ पे अगर हम अपना फेवरेट क्लब सपोर्ट करते हैं, फेवरेट यूरोपियन क्लब सपोर्ट करते हैं, और वो अच्छा नहीं कर रहा होता है, उसके कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहे होते, तो हम बोलते हैं ना, मैं तो खुद चेल्सी को इतना रोस्ट कर रहा हूँ फनी तरीके से, लेकिन जहाँ पर इंडिया की बात आ जाती है लोग पता नहीं क्यों इतने सेंसिटिव हो जाता है। अरे यार, फुटबॉल टीम है, आप क्रिकेट टीम खराब करती है तो आप बोलते हैं ना कि यार इस प्लेयर ने अच्छा नहीं किया, इस टीम ने अच्छा नहीं किया, ये चीज़ अच्छी हो सकती थी, वो चीज़ अच्छी हो सकती थी, लेकिन जब फुटबॉल की बात आती है तो हम इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, आई अग्री कि अभी भी फुटबॉल टीम जो है उनको प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत है, उन पे हमको ओवर क्रिटिकल इन द सेंस कि हमको ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा कॉल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम जो है कहीं पे भी नहीं है एज वी स्टैंड, अगर एशियन टीम्स की हम बात करें, लेट अलोन ग्लोबल फुटबॉल, और जो कि एक्सपोज हो गया है इस एशियन कप टूर्नामेंट में। तो अभी मुझे लगता है कि समय आ गया है कि भाई लोग भी अब इन्वॉल्व हो रहे हैं, और लेट्स नॉट कीप प्लेइंग द विक्टम कार्ड कि यार देखो सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखिए, कवरेज प्रॉपर थी इंडिया के गेम्स की इस बार एशियन कप में, स्टेडियम में लोग बैठे थे। शाउट आउट टू ऑल द इंडियन फुटबॉल फैंस जो वहाँ पर गए थे, लेकिन शाउट आउट टू गाइज यार जिन्होंने भी नंबर्स में सपोर्ट किया है। तो अब ऐसा नहीं बोल सकते यार कि इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यार जहाँ पे सपोर्ट होगा, जहाँ पर लोग आएंगे आपको देखने, वहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, दैट इज़ अ बेसिक ह्यूमन नेचर। और एक ये चीज़ क्यों हो जाती है कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, या इफ़ आई वॉन्ट टू होल्ड एनी वन अकाउंटेबल यहाँ पर, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोच हो, प्लेयर्स हो, कोई भी हो, किसी की भी गलती हो, अगर मैं उसको कॉल आउट कर रहा हूँ, तो क्यों है कि आई एम एंटी नेशनल या मैं अगेंस्ट इंडियन फुटबॉल हो जाता हूँ, ये सेंटिमेंट क्यों आ जाता है कि बाकी स्पोर्ट में तो नहीं आ रहा ये चीज़। तो इसको है ना थोड़ा सा अब हमको इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, और सबको धीरे धीरे पता चल रहा है कि हो क्या रहा है इंडियन फुटबॉल में। तो टॉकिंग अबाउट दिस गेम, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस से। क्यों? क्योंकि हम इतना गंदा नहीं खेलते हैं जितना गंदा हम इस मैच में खेले हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम लास्ट ईयर से बात करें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही थी, हमने इतने सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, वो अपने जो तीन तीन आपने टूर्नामेंट जीते, आपने ट्राई नेशन कप जीता, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता, सेफ चैंपियनशिप जीती, फिर उसके बाद इराक के अगेंस्ट, मलेशिया के अगेंस्ट आपके ठीक ठाक परफॉर्मेंसेज थे, तो उससे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ यार बिल्डिंग अप टू एशियन कप हम कुछ कर सकते हैं। फिर आपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कुवैत को जाके कुवैत के होम में हरा दिया। तो मेरे हिसाब से भले ही कोच ने कुछ भी बोला हो कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, हम तो यहाँ एंजॉय करने आए हैं, वी विल ट्राई आर बेस्ट, वी विल गिव आर बेस्ट, ये वो ये वो, लेकिन हम सबकी एक एक्सपेक्टेशन थी टीम से। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से तो देखिए वैसे ही किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुछ निकलेगा उस मैच से। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द सीजन एज फार एज इंडियन फुटबॉल टीम इज कंसर्नड। अगर आपको राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करना था तो आपको उज़्बेकिस्तान वाले मैच में कुछ लेके आना था बाहर, लेकिन आप कुछ लेके आए नहीं, और आपने मेरे ख्याल से वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो। अब लोग यार यहाँ पे बोल रहे हैं कि पोजेशन ज़्यादा रखा था, सेकेंड हाफ में इंटेंट दिखा। यार देखो, पोजेशन आपने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप शेप देखोगे ना उज़्बेकिस्तान का, तो बहुत डिफेंसिवली अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था उनका, उन्होंने दो गोल मार के किल कर दिया था गेम 20 मिनट में, तो उन्होंने रखने दिया है आपको पोजेशन। आप इस गलत फहमी मत रहे ना कि हमने कुछ बहुत अच्छी फुटबॉल खेल के जो है वो रखा है, हमने कोई मतलब डोमिनेट किया है, या हम पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे, और आपने उस पोजेशन का किया क्या? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारी टेक्निकल एबिलिटी इज नोवेयर नियर क्लोज टू दीज टीम्स। वही होगा आप सेफ चैंपियनशिप में, इंटर कॉन्टिनेंटल कप में, वही लेबनान और कुवैत और इनसे खेलते रहिए, और फिर आपको एक्सपोजर मिलेगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो बेहतर रैंक्ड यूरोपियन टीम्स हैं या बेहतर रैंक्ड एशियन टीम्स हैं फॉर दैट मैटर,
कि उनके अगेंस्ट खेल के कैसा लगता है, क्या प्रिपरेशन होती है, क्या हम लैक कर रहे हैं, किन एरियाज में हमको वर्क करने की ज़रूरत है। 5 गोल हमने खाए हैं टोटल, अब 5 मुझे लगता है कि प्रिवेंट किए जा सकते थे, 2 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 3 उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट। क्यों हो रही इंडिविजुअल मिस्टेक्स, क्यों हम स्विच ऑफ हो जा रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहता। उसके बाद अगर हम बात करें और देखो भाई, हमने सेकेंड हाफ में 2 शॉट लिए, हम अनलकी रहे, राहुल केपी का पोस्ट पर लग गया और टारगेट पे मार दिया महेश ने, और भी 1-2 अच्छे चांस थे, तो यार वो बेयर मिनिमम है इन माय ओपिनियन। अगेन मैं कह रहा हूँ वो बेयर मिनिमम है, जो हम कहते हैं ना अरे वाह एक पास एक थ्रू बॉल बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उतना तो करना ही पड़ेगा यार। और द थिंग इज कि देखो ये ना एक रिजल्ट ड्रिवन इंडस्ट्री है, यहाँ पे रिजल्ट्स अगर जब तक नहीं आएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, टाइम लगेगा, आई एम ऑल फॉर गिविंग टाइम, कुछ देखो खोने को अपने पास कुछ है नहीं एज अ फुटबॉलिंग नेशन, मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सवाल भी तो पूछने देने चाहिए ना यार। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी तरीके की, क्यों यहाँ पर सिनर्जी नहीं है AIFF और FSDL में कि आप एक बड़ा जो है वो कैंप रखें और बड़ी आप प्रिपरेशन रखें, कोच बोल रहे, चलो मैं तो कोच की भी गलती मान रहा हूँ, मैं तो कोच को भी अकाउंटेबल ठहरा रहा हूँ कि आपने किस तरीके की टीम सिलेक्शन की है। अगेन अब प्लेयर को कॉल आउट करेंगे तो आप बोलोगे कि यार क्रिटिसाइज कर रहे हो तुम तो, लेकिन क्या करें। कुछ प्लेयर्स थे जो मुझे लगता है कि जिनका नहीं था आज अच्छा परफॉर्मेंस, मनवीर सिंह फॉर एग्जाम्पल वॉज नॉट दैट गुड, हमारी टेक्निकल एबिलिटी दिखती है कि भाई हम नहीं कर पाते, अगर हमारे पास बॉल आती एक ही एक चीज़ हो जा रही थी, फुल बैक जो है वो विंगर को पास दे रहे थे, विंगर आगे ले जा रहे थे, 1v1s हम जीत नहीं पाते, उनके जो फुल बैक्स थे बॉल देके उनके DM को दे रहे थे और फिर वापस से गेम चालू हो रहा था। आकाश मिश्रा वॉज ट्राइंग टू डू बट अगेन जाके वो एक वॉल में भिड़ जा रहे थे आगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 1-on-1 हम जीत नहीं सकते, फुट रेस में हम जीत नहीं सकते, फिजिकैलिटी कुछ है नहीं, टेक्निकल एबिलिटी कुछ है नहीं, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आप मुझे सीजनल फैन कह लो, आप कह लो कि व्यूज के लिए कर रहा हूँ भैया, बोल दो आपको जो बोलना है बोलो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैंने जो देखा मैं उसके क्रिटिसाइज करूंगा और मैं सवाल पूछूंगा यार, मैं ट्रोल करने नहीं बैठा हूँ इंडियन फुटबॉल टीम को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट तुम कैसे हार गए यार, तुम्हें तो हारना ही नहीं बनता भाई, लेकिन जो बेसिक्स है वो कैसे गलत कर रहे हो यार। बेसिक्स तो अब ठीक हो जाने चाहिए ना, मतलब इतना टाइम हो गया मैनेजर को, ISL को इतना टाइम हो गया है, 1 साल में हमने इतने सारे अच्छे फ्रेंडलीज खेले। अब लोग कह रहे हैं कि यार बाबा तुम तो बेवकूफ हो, अगर तुम्हें यही आइडिया नहीं था कि उज़्बेकिस्तान कितनी अच्छी टीम है तो फिर मैं एक्सपेक्टेशंस कैसे रखूं। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं थी कोई एक्सपेक्टेशंस, आई एग्री भाई, और मैं तो खुश था वो फर्स्ट हाफ में जो 0-0 हुआ था, इवन 2-0 पे भी मैं खुश था। थोड़ा मैं दुखी इसलिए था क्योंकि 2 गोल वो जो है वो प्रिवेंट किए जा सकते थे, लेकिन अब यार उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट भी अब ऐसे हारेंगे तो काम कैसे चलेगा। फिर सीरिया के अगेंस्ट मैच है, वही 90-91 रैंक टीम है, पता नहीं कितनी रैंकिंग है, 90 के आसपास है, उसको हरा दिया ज़्यादा से ज़्यादा, वही फिर आप वही 90-100 के ब्रैकेट की टीम्स को हरा के उनसे ड्रॉ खेल के खुश हो जा रहे हो, तो प्रोग्रेस क्या है। अब देखिए बात यहाँ पर यह है, धीरे धीरे है ना सारी टीमें प्रोग्रेस कर रही हैं, लेकिन आपका जो प्रोग्रेस का पेस है ना वो रिलेटिवली बहुत कम है, तो आप ना घूम फिर के वहीं रह जाएंगे। आप चाहे फुटबॉल अच्छी खेल लेंगे, आप चाहे पहले बेकार खेलते थे अब ठीक खेल रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू अदर टीम्स वो आपसे और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तो कुल मिला के आप जो टोटल आपका नेट है, आपकी नेट पोजीशन है वो वहीं पर ही रहेगी, आप ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल फुटबॉल। हाँ आपकी टेक्निकल एबिलिटी बेटर हो जाएगी, आपके फर्स्ट टचेज हो सकता है बेटर हो जाए आने वाले टाइम में, हो सकता है आपके पैटर्न ऑफ प्ले भी ठीक हो जाए, मतलब कुछ दिखे कि हाँ अगर हम एक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो शायद हम थोड़ा सा और एडवेंचरस होते हैं विद द बॉल, लेकिन बाकी टीम्स क्या कर रही हैं, बाकी टीमों ने कैसे अपना कल्चर डेवलप किया फुटबॉल का। भाई जापान ख़त्म हो गया था देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है जब वह 2 न्यूक्लियर बम फटे थे, एकदम बेकार थी। साउथ कोरिया भयंकर बुरी हालत में था 1970s 1980s में, अगर आप हिस्ट्री जानेंगे इन कंट्रीज़ को, जैसे तैसे पर इन्होंने अपने आप को संभाल के अपने फुटबॉल को इतना अच्छा किया है, लीग को उन्होंने स्ट्रांग बनाया, हमको ISL को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा यार, इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा, यंग प्लेयर्स को डेवलप करना। अब देखो मैं बार बार नहीं बोलूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल ब्ला 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 हो गया बहुत ज़्यादा, बोल लिया वो पिछले 1 साल में वही बोल बोल के मैंने सारे रिव्यू निकाले अपने, हो गया अब नहीं बोलना मुझे, और मुझे ये बताओ कि अब आगे का कैसे करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई आप कुछ भी बोल दो तो नहीं नहीं यार तुम तो इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करते, तुम तो चेल्सी के फ़ैन हो, देखो आज इंडियन टीम हार गई, तुम तो आ गए उनके अगेंस्ट बोलने और तुम सपोर्ट। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, सवाल पूछना का मतलब ये नहीं होता कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इंडियन फुटबॉल टीम को तब सपोर्ट नहीं करेंगे जब आप इस मीडियोक्रिटी को अलाउ करते रहेंगे कि ये होती रहे होती रहे होती रहे, ठीक है।
हम इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे इंडियन टीम को कि जब अर्जेंटीना फ्रेंडली खेलना चाह रही थी तब भी हमने बोला चलो पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। रेट्रोस्पेक्ट में जब सोचोगे तो लगेगा भाई अर्जेंटीना जब आएगी तो स्पॉन्सर इतने खड़े हो जाएंगे कि वो जो पैसा लग रहा था वो वहीं से ही निकल जाता आपका टिकट्स और स्पॉन्सर सेल्स। तो ये अब आपको सवाल पूछने पड़ेंगे भाई, नहीं तो फिर तो यही चलता रहेगा। फिर अभी अफगानिस्तान से आप एक मैच जीत जाओगे, फिर कतर हरा देगी आपको क्वालिफायर में, फिर कुवैत आपका मस्ट विन हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में पहुंचने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना अब हो गई यार, ये देख लिया बहुत टाइम से, तो अब कैसे इस चीज़ को आगे हमको करना है। मतलब नए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, जो क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है उनको और थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा, स्काउटिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा सवाल तो पूछो यार, उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए पैसा लगेगा। देखो अब सपोर्ट वाला पॉइंट तो मुझे लग रहा है कि है ना अब रिडंडेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है, क्योंकि आई थिंक सारे कंटेंट क्रिएटर्स बात कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल की, उस सेंस में कोई कमी नहीं है, अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। हम जितने इंडियन फुटबॉल फैंस हैं जो एक्चुअली में इंडियन फुटबॉल टीम को देखना चाहते हैं, उन सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस कहाँ आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, कौन कौन प्लेयर है। पहले तो शायद सुनील छेत्री के अलावा कोई एक दो तीन प्लेयर के नाम भी नहीं ले पाता था, अब तो सबको 11-11 प्लेयर प्लस बेंच पे कौन बैठा है, कौन किस टीम के लिए खेल रहा है, किसका कैसा ISL सीजन जा रहा है, उस सब के बारे में पता है। तो उससे डिस्कशंस भी हो रही हैं, केस इन पॉइंट की 6-7 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका ISL सीजन ठीक नहीं जा रहा लेकिन उनको क्यों पिक किया गया, ये सवाल पूछे जाने चाहिए कोच से। क्यों आप सेम जो कॉम्बिनेशन है आपने उसको ट्राई नहीं किया, क्यों आप ओवर एडवेंचरस हो गए, क्यों आपने टैक्टिकल सेटअप ऐसा किया जो प्रिपेयर्ड नहीं था, क्यों दो पास में उज़्बेकिस्तान आपकी मिडफील्ड और बैकलाइन को बायपास कर रही थी, ये पूछो कोच से। ट्रेवर सिंक्लेयर ने आके क्या किया है, क्या हम बेहतर हो गए क्रॉसेस डिफेंड करने में या सेट पीस से, तो ये सब पूछना पड़ेगा ना। और लोग कह रहे 3-0 है लेकिन कोई नहीं पॉजिटिव्स तो हैं इसमें, क्या पॉजिटिव है यार, वो दो तीन बार पे लग गई उज़्बेकिस्तान की, 5-0, 6-0 हो जाता, कितनी बारी वो 2-on-1, 3-on-1 सिचुएशंस में थे, थोड़ी डिसीजन मेकिंग ठीक होती, आराम से 5 या 6 गोल मारते वो, हमारा एक गोल होता ज़्यादा से ज़्यादा। क्या मतलब, देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इसमें कुछ पॉजिटिव है, मेरे अकॉर्डिंग अगेन आप मेरे को गालियां बकना, खूब बकना गालियां, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बस सीधी सी बात है, जो मेरे को ख़राब लगा मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा। अगर आपको सीरियसली लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद कुछ भी पॉजिटिव आया है तो आइदर यू आर डिल्यूजनल, नहीं तो फिर जो है आप मानना नहीं चाहते कि इंडियन फुटबॉल में कुछ गलत चल रहा है और यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, एज सिंपल एज दैट। तो सवाल पूछिए कोच से, कोच का फेलियर है ये मैच बिल्कुल, टैक्टिकल लेवल पे हम बिल्कुल फेल हुए हैं, टीम सिलेक्शन बिल्कुल ख़राब थी, जो अच्छी चीज़ें हमने करी थी पिछले मैच में उसका 2% भी हमने यहाँ नहीं किया। अब मेरे को ये मत बोलना कि इंटेंट अच्छा था सेकंड हाफ में, मैं फिर से कह रहा हूँ अगर थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन रखनी इंडियन टीम से तो बेयर मिनिमम है जो हमने किया था यार, कम ऑन, हमको थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड ऊँचा करना होगा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चाहता कि हम फोड़ देते उज़्बेकिस्तान को, लेकिन फाइट तो करते हैं, बिल्कुल फाइट नहीं किया हमने, 20 मिनट में मैच खत्म हो गया था यार, कम ऑन गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द सीजन कैन नॉट गेट डन इन द फर्स्ट 20 मिनट्स, शोल्डर्स ड्रॉप हो गए आपके, इनकंसिस्टेंसी है प्लेयर्स में, एक प्लेयर एक मैच अच्छा खेलता है दूसरे मैच में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता, द ओनली ब्राइट स्पॉट इन दैट मैच वॉज थोड़ा बहुत अनिरुद्ध थापा एंड अपुया की परफॉर्मेंस, बाकी फुल बैक्स वर रनिंग इन टू वॉल्स, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, टीम में कोहिजन नहीं है, दैट इज डाउन टू द मैनेजर, कर क्या रहे हो आप। अब ये अगर बोलेंगे कि भाई कैंप नहीं मिला तो यार फिर तो इसका तो कोई अंत नहीं है, कैंप तो इतने ही मिल रहे हैं, AIFF और FSDL तो नहीं आ रहे एक पेज पे, तो भाई जो है इसी में ही करना है। तो चैलेंजेस तो हम सबको पता है ना, कंस्ट्रेंट्स तो हम सबको पता ही है एज इंडियन फुटबॉल फैंस, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ग्रास रूट नहीं है अच्छा, जो प्लेयर्स हैं यही है, कैंप वैम्प नहीं मिलता, तो ये तो हमको पता ही है। अब तुम इन कंस्ट्रेंट्स में रह के कैसे निकलवा सकते हो बेस्ट प्लेयर से, वो तो कोच पे ही है ना, लेकिन यहाँ पे कोच को भी आप एक ही लेवल तक ब्लेम कर सकते हो, बिकॉज टेक्निकल एबिलिटी प्लेयर्स की, फर्स्ट टचेस, फिजिकैलिटी, तो डेवलप कराओ, करो स्काउटिंग करो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, अब वही ग्रास रूट वाला घूम फिर के आ जाता है पॉइंट, क्या करें, लेकिन जो सत्य है वो सत्य। तो भाई आपकी जो भी राय है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं सीरिया वाले मैच से, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सीरिया अच्छा ही खेली थी उज़्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो अगर आप मुझे बोलना चाहते हैं कि भाई मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इंडियन फुटबॉल को, तो आप बोल लीजिए, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए, लेकिन ये मैंने बिल्कुल दिल से बोली। हाँ एक और बात है, अगर किसी ने क्रिकेट को ब्लेम किया
तो मैं सही बता रहा हूँ, वो एक्चुअली में एंटी नेशनल है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पर ये फीलिंग आ गई ना कि एक स्पोर्ट नीचे हो जाए, जहाँ पे हमारी कंट्री के हमारे ही प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिसमें हमारे नाम वो रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नीचे हो जाए और दूसरा स्पोर्ट उठ जाए, तो वो उतनी ही खराब बात है जितना इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट ना करना। सीधी सी बात है भाई, क्रिकेट ने कहाँ पे हक मारा है फुटबॉल का? यहाँ पे लोग कहते हैं यार इंडिया में तो लोगों को क्रिकेट देखने से फुर्सत नहीं है, फुटबॉल को कैसे सपोर्ट करेंगे? आर यू किडिंग मी? मतलब कैसी बात कर रहे हो तुम? और कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जो सिर्फ सपोर्ट के बल पे ही ग्रो करता है? जैवलिन थ्रो कितने लोगों ने देखा था ओलंपिक से पहले? नीरज चोपड़ा का नाम कितने लोगों ने सुना था? पीवी सिंधु जब बैडमिंटन खेलती हैं तो कितने लोगों को पता है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ओलंपिक्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, इनके अलावा जब कोई मैच टेलीकास्ट नहीं होता, आप देखते हो उनके सारे मैच? देखते हो जितने लोग हो जो ये मैच में देखते हो, करते हो आप पीवी सिंधु को अनकंडीशनल सपोर्ट? तो ये सपोर्ट वाला पॉइंट और ये है ना कि एक स्पोर्ट को तो इतनी हाईलाइट मिल रही है और दूसरे को नहीं मिल रही। भाई एक कोई कह रहा था यार इंडिया और अफगानिस्तान का तो फालतू सा टूर है, उसका टेलीकास्ट हो रहा है और लोग तो उसको देख रहे हैं। भाई मैं देख रहा था, मैं उन फालतू लोगों में था, मैं हूँ वो फालतू इंडियन जो अपनी टीम को हर स्पोर्ट में सपोर्ट करता है, और मैं तो क्रिकेट भी खेलता हूँ। मैं तो कल क्रिकेट खेलने गया हूँ, रात को मैच खत्म हुआ 10 बजे, 11 से 2 बजे तक मैं क्रिकेट खेलने गया हूँ टर्फ पे रात को। तो मुझे तो पसंद है क्रिकेट, मैं देखता भी हूँ क्रिकेट, और मैं करूँगा अपनी इंडियन टीम को सपोर्ट। आने दो T20 वर्ल्ड कप, करूँगा मैं उसमें इंडियन टीम को सपोर्ट, क्या कर लोगे? तो ये जो एक एंटाइटलमेंट है ना कि नहीं इंडियन फुटबॉल का फैन मैं हूँ तो क्रिकेट तो भाड़ में जाए, ये जब तक ये मेंटेलिटी से हम पार नहीं पाएंगे ना, और नॉट ओनली क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी इवेंट हो, अगर आपको ये लगता है ना कि वो रोड़ा बन रहा है रादर देन अर फेडरेशन डूइंग द राइट थिंग्स, ग्रास रूट लेवल पे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्काउटिंग द करेक्ट प्लेयर्स, गेटिंग द राइट कोच, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम क्रिकेट है या कोई और स्पोर्ट है, तब तक तो बंटाधार है भाई, कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो भी राय हो प्लीज़ डू लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन। जी भर के गालियाँ दीजिए, जी भर के सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, लेकिन अपने दिल की बात ज़रूर रखिएगा और डिस्कस कीजिए और सवाल पूछिए कि हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस डिबाकल। तो मिलते हैं आपसे जल्दी फिर दोबारा, ध्यान रखिए अपना, टीम को सपोर्ट करते हैं, टीम की भलाई चाहते हैं, इसलिए इन सवालों के जवाब भी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।